कानून को मानते हुए हमारा यह कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, बिहार की क्रूर और दम्भी सरकार ने शांति प्रिय आंदोलनकारियों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अंधाधुंध लाठी चलवाना शुरू किया। गया के गांधी मैदान में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। धरना में नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह सहित कई कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए। सुशील सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक एक कार्यकर्ताओं का खून उबल रहा है और विस्फोट करेगा। विस्फोट होने के बाद सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी कहां जाएगी पता नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शहादत कभी बेकार नहीं जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता विजय सिंह की शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। शिक्षक नियुक्ति से संबंधित बिहार के लाखों नौजवानों के वाजिब मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की राजधानी पटना 13 तारीख को विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का, जो हम लोग कर रहे थे। शांति प्रिय प्रदर्शनकारियों पर बिल्कुल अनुशासित तरीके से कानून को मानते हुए हमारा यह कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, बिहार की क्रूर और दम्भी सरकार ने शांति प्रिय आंदोलनकारियों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अंधाधुंध लाठी चलवाना शुरू किया। परिणाम हुआ कि हमारे जहानाबाद के पार्टी के जिला महामंत्री स्वर्गीय विजय सिंह का निधन हो गया। लेकिन हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं, याद कर लीजिए नीतीश कुमार जी, ये बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, यहीं की वैशाली से लोकतंत्र प्रारंभ हुआ पूरी दुनिया में। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का एक एक बूंद खून बारूद के समान होगा, विस्फोट करेगा और आपकी यह जो कुर्सी है वो कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। ये शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। दुनिया में कोई शहादत कभी भी बेकार नहीं गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत भी बेकार नहीं जाएगी। याद कर लीजिए नीतीश कुमार जी, गांधी मैदान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सभा में बम विस्फोट हुआ, कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई, हमारे कई कार्यकर्ता शहीद हुए, उसका भी परिणाम आपको देखने को मिल गया। देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। भारतीय जनता अब नहीं गया है न जाएगा। आप सत्ता के मद में चूर हैं, आप सत्ता के घमंड में मदमस्त हैं, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सूरज बनकर निकले हैं, हम सूरज बनकर डूबेंगे। तुम कफन बेचने निकले हो, हम कफन बांध कर निकले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे बिहार में 13 तारीख को जो हमारे पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम था, बिहार गांधी मैदान से लेकर विधानसभा घेराव को लेकर, शिक्षकों की मांग को लेकर, बिहार में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को असुरक्षितता को लेकर जो कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा प्रदेश बिहार में किया गया था, उसमें जिस तरह से सरकार के द्वारा पुलिस के निर्देशित हत्यारों के रूप में कर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर जो बर्बरतापूर्ण जो हमला किया गया, निहत्थों को मारा गया बेरहमी से, उसको लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार के जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल मुख्यालय तक हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। और इस धरना के माध्यम से इस निकम्मी सरकार,
इस हत्यारी सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर समय रहते आप अगर सुधरते नहीं हैं, चेतते नहीं हैं, तो आने वाला 2025 आपके लिए विदाई समारोह 13 तारीख को ही हमारे कार्यकर्ता कर दिए हैं। हो सकता है 2024 में ही हम लोग आपको बोरिया बिस्तरा बांध कर गंगा में प्रवाह करने का काम करेंगे। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस नीतीश कुमार को जिनके पास 2 सदस्य भी नहीं थे, 5 सदस्य भी नहीं थे, 2005 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनको बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम किया और उसी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से 13 तारीख को इन्होंने बर्बरतापूर्ण हमला करवाया, जिसमें हमारे जहानाबाद के लोकप्रिय कार्यकर्ता स्वर्गीय विजय बाबू का देहांत हो गया, हत्या कर दी गई। आज उसको लेकर हम पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और गांधी मैदान से संकल्प लेकर निकले हैं कि जब तक हम लोग नीतीश कुमार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक एक भी कार्यकर्ता और मतदाता चैन से नहीं बैठेगा। बिहार प्रदेश के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में बढ़ता भ्रष्टाचार, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के सवाल को लेकर ST/ET/CT/ET के अभ्यर्थियों को, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति करने के सवाल को लेकर, वित्त शिक्षकों को उनको समय पर अनुदान देने को लेकर, संस्कृत शिक्षकों की मांग को लेकर के, और राज्य में जितनी कानून व्यवस्था लगातार हत्या अपहरण लुप्त हो रहा है, बैंक डकैती हो रही है, उन सारे सवाल को लेकर पार्टी ने तय किया था पूरे बिहार स्तर का हमें एक रैली करेंगे, मार्च करेंगे। और 13 तारीख को हमारा प्रोग्राम तय था, 13 तारीख को विधानसभा मार्च शुरू हुआ गांधी मैदान, हमने अनुमति ले लिया था और अनुमति के बाद हमने कार्यक्रम शुरू किया करें। और जब हमारा शांति में से जा रहा था तो हमारे लोगों पर इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़े गए जाकर के और खदेड़ खदेड़ पीटने का काम किया गया। उसी में हमारे साथी पार्टी के नेता जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह की हत्या कर दी गई जाकर के, उसी तरह हमारे माननीय सांसद माननीय विधायक हजारों नेता कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए। PMC में देखने गया था, जिला अध्यक्ष हमारे गया के हैं प्रेम प्रकाश जी, उनको चोट लगी थी जाकर। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सरकार इस तरह सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा जाकर। हमें लोकतंत्र में आस्था है, हम हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर हमलों का एग्रेसिव हमलों नहीं किया, मार्च कर रहे थे। जिससे पुलिस का रवैया था, मैं मानता हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण जाकर के है। और हम लोगों ने विधानसभा मामले को उठाया, वहाँ मेरी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। कल मैं महामारी राज्यपाल जी से ज्ञापन देने गए थे जाकर के, और वहाँ भी हम लोगों ने मांग किया है कि सारे मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो, CBI की जाँच जाकर के हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया आज पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर, हमारे प्रखंड मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है, या सरकार इस्तीफा दे जाकर के, या सरकार आने वाले समय में, हमें जनता पर भरोसा जाकर के है, आने वाले समय में अब जनता के सहयोग से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और बिहार की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।